नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 29 और आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये देख रहे हैं गाड़ी यहाँ पलटी हुई पड़ी है। ये पूरी गाड़ी पलट गई है, उल्टी हो गई। ये कैसे पलटी जी? भैया पता नहीं, हमें तो ये पलटी मिली है जी यहाँ पे। कहते अभी यहाँ तो कैसे पता, यहाँ पलट गया ये। हाँ चोट भी आई है पर ये नहीं पता। बता रहा हूँ गाड़ी वहाँ आई है, वहाँ में लगी है बहुत तेज स्पीड में, फिर रेस ले रखी है गाड़ी, यहाँ तो लगता है उल्टी हुई है। डिक्की जो लगी है जिनके ऊपर उनका गाड़ी उनके नीचे दबी, जो रोड पर चल रहे उन वे दबे हैं गाड़ी के नीचे। ये अंदर दो ही जने, हाँ इधर से आ रही है, इधर से यहाँ से बढ़िया दूर से ब्रेक लेती हुई है ये, और दारू पी रखी है। चौथी दे रहा बढ़िया वाली ले लिए, बढ़िया पैसा। लड़का लड़की है, हाँ, और स्कूल की टीचर आ रही थी, उनके ऊपर गाड़ी लगी है उछल के। हाँ यहाँ पे लगी है गाड़ी उछल के, नहीं एक को अभी हॉस्पिटल छोड़ के आए, एक को इधर दूसरे हॉस्पिटल छोड़वाया। गाड़ी में जो थे वो बच गए, वो यहीं जो ले मौज ले रहे हैं, देख ले तो ये देख रहे हैं पूरी उनके उनके रिलेटिव है वो वहाँ वहाँ बोले उनके रिलेटिव है उनके बोरे दो लेडीज दो जेंट्स। ये गाड़ी की हालत देख रहे हैं, पूरी गाड़ी पलट गई है किस तरह से। और फरीदाबाद चोट भी लगी है, चोट भी लगी है लोगों को, ये देख रहे हैं सेक्टर 29 में। और जैसा कि बता रहे हैं कि स्पीड में कार आ रही थी, पलटने की वजह से लोगों को चोट आई। ये देख रहे हैं पूरी गाड़ी पलट गई बीच सड़क पर, ये देख सकते हैं किस तरह से। ये देखें, निकाल लिया जी, इसमें से निकाल लिया, से निकाल दिया। एक महिला और एक बच्चे को टक्कर मारी है, महिला बहुत ज्यादा सीरियस है, अस्पताल लेके गए हैं। हाँ, और ये गाड़ी कम बहुत स्पीड में थी, उस दूसरी साइड से आ रही थी और इधर आके उड़ती हुई आई है। और जो ड्राइवर है बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, दो लड़कियां थी, दो लड़के थे, ड्राइवर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है और पुलिस वालों को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। देख रहे हैं कि पुलिस रंगबाजी में है, वो लड़का पुलिस को भी गाली दे रहे हैं। और ये देख रहे हैं लोग यहाँ, वो सारे निकाल लिए गाड़ी में से, निकाल गाड़ी में से सारे निकाल लिए, सब सही है। लड़के थे, दो लड़की थी, वो सब निकाल लिए। लड़के ये खड़े, लड़कियां वो खड़ी पुलिस वालों के साथ में। ये दोनों लड़के हैं, एक लड़की और है अंदर, और जो लड़का दारू पी रखा है वो गली में है, उसको चोट भी आई है। जो नीचे आई थी एक महिला और एक बच्चा, उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, सीरियस है, बेहोशी हालत में है। दो बहुत स्पीड गाड़ी थी, उधर से दूसरी तरफ से उड़ करके इधर आई है गाड़ी। गाड़ी बहुत तेज, दो मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, एक पीछे मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए जब आए हैं यहाँ, डिवाइडर से टकरा के इधर पलटा खाती हुई गाड़ी आई है। अब भी तो गाड़ियाँ बकरा, पुलिस वाले कह रहा तेरी नौकरी खाऊंगा, पुलिस वाले को सीधा कह रहा है कि तेरी नौकरी खा जाऊंगा। बताइए दो आदमी खत्म कर सकते हैं कि किस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी ड्राइवर पुलिस पुलिस वालों को कहा है। ये देख रहे हैं गाड़ी का नंबर DL2CA Q6538, ये गाड़ी का नंबर है, दिल्ली नंबर गाड़ी है। और डिवाइडर के पास, डिवाइडर के पास से मैं वहीं पे खड़ा था, गाड़ी इन्होंने स्पीड में एकदम से टर्न किया, गाड़ी बहुत स्पीड में टर्न किया, गाड़ी उल्टे हुए पलटी खा के इधर खिंचती हुई चली आई है। और वो जा रहे थे, एक लेडी जा रही थी, वो बुरी तरह से जख्मी है, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, अभी भी नशे में खत्म हो गई, खत्म हुई है पता नहीं है, लेकिन उसको बिल्कुल बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया है। पर बचना लेडीज को, पर बचना मुश्किल है उसको, बहुत बहुत बुरी हालत है उसकी, बहुत बुरी हालत है उसकी, लेडीज लेडीज को और बच्चे को बड़ा मुश्किल। जी बाबूजी, वो तो हमें गाड़ियां मेरी वर्दी उतरवाने के लिए बोल रहा है, इसको ये होश शराब में धुत है, होश नहीं है उसको। मैं बोला बेटा क्या बात हुई, को चोट वोट तो नहीं लगी? अरे तू जा, मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। पता नहीं यार क्या क्या मेरे को बोल रहा जा रहा, फिर भी मैं तो चले पी रखी, मैं डायल 112 कॉल किया है और क्रेन मलवाई है और एम्बुलेंस बुलवाया है। अब ये वो दो बच्चे हैं गाड़ी में थे, वो सब सही है? हाँ गाड़ी में सही है वो सब। कितने लोग थे गाड़ी में? ये चार लोग थे शायद, एक लड़का है, दो लड़कियां हैं और एक वो ड्राइवर खुद। और जिसके चोट लगी? चोट लगी वो लेडीज थी, दो लड़कियां थी, वो शंकर हॉस्पिटल में उनको भिजवा दिया गया है, सीरियस है वो। सीरियस आप समझ सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड में था ये, ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस को गालियां दे रहे हैं कि वर्दी उतरवा दूंगा, लड़ रहे ट्रैफिक पुलिस से, जो ड्राइवर है वो लड़ रहा है। और देख रहे हैं लोगों से भी यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहा है और भीड़ लगी हुई है लोगों की, जाम लगा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हो गए हैं। और जैसा कि बता रहे हैं कि गाड़ी में चार लोग सवार थे, एक ड्राइवर, एक लड़का और दो लड़की गाड़ी में सवार थे। ये देख सकते हैं ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर आप देख रहे हैं, हालत देख रहे हैं इसकी,
ये ड्राइवर है और इसकी हालत देखें आप, इस पर खुद नहीं चला जा रहा और इसकी ये देखें हालत, देखें इसकी हालत देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है, और गालियां दे रहा है लोगों को, दूसरे लोगों को गालियां दे रहा है, पुलिस को भी गालियां दे रहा है कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, और ये देख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़ा हंगामा हो रहा है यहाँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी पलटी, बड़ी स्पीड में गाड़ी आ रही थी और वो पलट गई, जिसमें दो लड़की और एक लड़का सवार था, ड्राइवर सहित चार लोग उसमें सवार थे, जिसने एक महिला और दो लड़कियों को टक्कर मारी, जिनकी हालत गंभीर है, अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये देख रहे हैं सेक्टर 29 का मामला है और यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, ये गाड़ी देख सकते हैं, और दूसरी साइड ये गाड़ी आ रही थी। आपको बता दें फरीदाबाद, ये मथुरा रोड की तरफ से, बड़गल फ्लाईओवर की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी। गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि वहाँ टकराने के बाद ये पलटे खाते हुए इस तरफ है। दारू की बोतल भी थी, बैग निकाल के ले गया ना, बैग लेके भाग गया है ना, दोनों गांव से बैग लेके भागे हैं। दारू की बोतल भी थी, चिप्स नमकीन सब। ये देख रहे हैं इसमें चिप्स नमकीन आपको दिखाई दे रही होंगी फैली हुई, चप्पल भी दिखाई दे रही हैं, और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि दारू शराब की बोतल भी इसमें थी, जो गिलास भी नजर आ रहा होगा आपको, गिलास दिख रहा है उधर सीट के नीचे, गिलास भी है, नमकीन भी है, पानी की बोतलें भी हैं, और देख रहे हैं ये गिलास ये पड़े, और ये देखें अंदर है दुकान पे और इधर बाहर खड़े हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरह से, और आपको बताएंगे कौन थे ये गाड़ी में, कौन कौन थे जी? एक लड़की, दो लड़के। लड़का कौन था गाड़ी में? लड़का वो ड्राइवर, तुम चले जाओ तो तुम बचा भी लोगे। पुलिस को फोन नहीं करा? कर दिया, पुलिस वाला फोन करा, आ रही है पुलिस, आ रही है पुलिस है। लड़का जो साथ में था वो और कौन है? लड़कियों को तो रहने दो, ये तो हुआ है ड्राइवर जो, ये देखें हंगामा कर रहा है यहाँ दारू पीकर, और ये देख सकते हैं दारू पीकर, और पुलिस को भी धमकी दे रहे हैं, पुलिस को भी मार रहे हैं कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, ये देख सकते हैं ये लड़का है, कोई बात नहीं मारो मत, ये देख रहे हैं, ये सब बंद कर दे, ये देख रहे हैं जबरदस्ती कैमरा बंद कराने के लिए, और ये देख सकते हैं नशे की हालत में है, पूरा धूत है, कैमरा बंद कराने के लिए यहाँ कह रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि किस तरह से, ये देख रहे हैं फरीदाबाद अभी, और अभी यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद है, जैसा कि बता रहे थे कि दो लड़कियाँ थी इस गाड़ी के अंदर और दो लड़के थे, ये तो पुलिस को फोन कर दिया नहीं तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, ये पुलिस को फोन करा, हालत गंभीर है, हालत गंभीर है, और ये देख रहे हैं एक घंटे से मारे जा रहे हैं, बोल दिया, ये देख सकते हैं, और लगातार हालत गंभीर है, जो लेडीज बता रहे थे उस लेडीज की और जो लड़कियां थी उनकी हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, अभी पुलिस पहुंची नहीं है, ट्रैफिक पुलिस पहुंची थी लेकिन अभी पुलिस और पहुंची नहीं, ये देख रहे हैं पूरे रोड पर जाम लगा हुआ है, और आपको बता दें बड़ी घटना फरीदाबाद, किस तरह से ये कार देखें, चारों खाने चित हो गए, पूरी कार आगे पुलिस आई, पूरी कार देख रहे हैं, कार पलट गई, कार उल्टी हो गई है, और दूसरी तरफ से ये कार आ रही थी, ये आपको बता दें इस तरफ से ये बड़कल की तरफ से कार आ रही थी, कार इतनी स्पीड में थी, इसमें टक्कर लगने के बाद ये देख सकते हैं पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसे, ये देखें पूरा जो मलबा पड़ा हुआ है इसमें, यहाँ टक्कर लगने के बाद ये देखें ये गाड़ी, देखें ये गाड़ी के ये हेडलाइट यहाँ पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप यहाँ हेडलाइट पड़ी है, और ये जो यहाँ बोर्ड लगा था इस बोर्ड में टक्कर लगी, और ये देख रहे हैं ये गाड़ी की हेडलाइट पड़ी है, दिल्ली नंबर गाड़ी है, जैसा कि आपको नंबर भी दिखाया था गाड़ी का, और ये गाड़ी इधर से आ रही थी, जैसा कि बता रहे हैं लोग कि गाड़ी मथुरा रोड की तरफ से, बड़कल फ्लाईओवर की तरफ से बाईपास की तरफ जा रही थी, अब पता नहीं कैसे उसने, ये देख रहे हैं ये पूरा जो लोहे का यहाँ पिलर लगा हुआ था ये पूरा पिलर उखाड़ दिया, इसमें टकराई है, ये हेडलाइट यहाँ पड़ी हुई है गाड़ी की, और ये सारा जो यहाँ पत्थर थे वो सब उखड़ गए,
और यहाँ टकराने के बाद ये गाड़ी पलटा खाकर दूसरी तरफ सड़क के उस पार जा गिरी है, दूसरी सड़क पर जा गिरी। लेकिन यहाँ से जो एक महिला और दो लड़कियाँ गुजर रही थी उनके चोट लगी है, वो इस गाड़ी से टकरा गए थे और बता रहे थे कि ये पीछे भी कहीं किसी बाइक वाले को मार के आ रहा था। ये देख रहे हैं फरीदाबाद सबसे बड़ी खबर आज की, किस तरह से एक कार चालक तेज गति से गाड़ी चलाता हुआ आता है और गाड़ी में डिवाइडर पर टक्कर लगने की वजह से गाड़ी पलट जाती है, जिसमें जो कार में जो सवार थे चार लोग, दो लड़के और दो लड़के बताए जा रहे हैं, दो लड़के और दो लड़के थे जो हमने आपको अभी दिखाए, वो कार में सवार थे लेकिन वो ठीक हैं, सही सलामत हैं। लेकिन जिसमें टक्कर लगी थी जो महिला थी और लड़की थी वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, सीरियस हैं, गंभीर हालत में हैं, ये देख सकते हैं। और जैसा कि बता रहे थे ट्रैफिक पुलिस ने खुद बताया कि किस तरह से वो ट्रैफिक पुलिस वाले को भी गाली दे रहा था कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। जब वो उससे बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो कह रहे थे तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, और आप देख रहे हैं पब्लिक में भी गाली देता हुआ बुरी हालत में था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, ये देख रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ मेडिकल पर उसे बिठा रखा है और यहीं वो लड़कियाँ भी हैं जो साथ में थी, वो दो लड़कियाँ भी यहीं मौजूद हैं और दो लड़के भी यहीं मौजूद हैं, ये देख रहे हैं पूरा, ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं फरीदाबाद बहुत भयंकर एक्सीडेंट, जबरदस्त एक्सीडेंट जिसमें पूरी गाड़ी रोड के उस तरफ पलट दी और इस गाड़ी में देख रहे हैं चार लोग सवार थे, ये देखें पूरी गाड़ी चारों खाने चित यहाँ पड़ी है सड़क के किनारे, पूरी बीच सड़क में पड़ी है, सड़क के दूसरी तरफ आगे पड़ी है, गाड़ी पलट गई, इतनी स्पीड पे गाड़ी थी। लेकिन उसमें महिला को गंभीर चोटें लगी हैं, अस्पताल में भर्ती है, अभी कहा नहीं जा सकता कि वो किस हालत में है, लेकिन जैसा लोग बता रहे थे कि वो अस्पताल में भर्ती है फरीदाबाद, ये देख रहे हैं नंबर भी हमने आपको दिखाया था, गाड़ी का नंबर भी दिखाया था, दिल्ली नंबर गाड़ी है, ये देख रहे हैं। और सुबह हमने आपको दिखाया था कि जो मथुरा रोड पर ट्रक पलट गया था, लेकिन वहाँ कोई जान हानि नहीं हुई थी, गाड़ी पलटी है। अच्छा, हाँ, अब सामने से गाड़ी आ रही पड़कर साइड से, गाड़ी के चारों तरफ उड़ रहे थे एक तरह के, इसमें डिवाइडर में आई आगे टकरा के पलट गई पूरी एकदम, ऐसे पलटी एकदम लेडीज में गली एक में, तीन लेडर से बाहर फेंक गई उसमें से, हाँ मैं फिर पकड़ गया उठाने उन तीनों को, देखे अब इसको पलटा जा रहा है दूसरी तरफ, लोग इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और ये देख रहे हैं गाड़ी को उठाकर सीधा करने की कोशिश, एक लेडीज भर्ती है बाकी तीन सेफ है, बाकी गाड़ी में जो थे सब सेफ है, हाँ गाड़ी वाले सब सेफ है, बाकी तो फिर ये पी रखी थी गांजा आंजा ड्रग्स कर रखा था पूरा तगड़ा, सब सब नशे में सुननी है पूरा भाई साहब, हाँ हाँ पुलिस वालों को गाली दे रहा था, दो लड़की थी, दो लड़के थे, एक लड़का आकर लेके गाड़ी भग गया, ये देखें गाड़ी को सीधा करते हुए, ये देख रहे हैं फरीदाबाद सीधा करने की कोशिश की जा रही है गाड़ी को, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से, ये देखें गाड़ी को सीधा करने की कोशिश, ये देखें गाड़ी को उठाकर पलट कर सीधा किया जा रहा, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, ये देख लें ये गाड़ी को सीधा कर दिया, पब्लिक ने गाड़ी को पलट कर सीधा कर दिया, बीच रोड पर गाड़ी पड़ी हुई थी और इसमें ये देख रहे हैं, एक मिनट साइड होना, ये देख सकते हैं इसमें जितना भी चिप्स कुरकुरे, ये देखें पानी की बोतल गिलास चिप्स कुरकुरे ये सभी इसमें गाड़ी में अंदर थे, और जैसा कि बता रहे थे शायद शराब की बोतलें भी थी, ये कह नहीं सकते, लेकिन जो बता रहे हैं कि चलाने वाला नशे में था और गाली दे रहा था सबको, पुलिस को भी गाली दे रहा था, जो ट्रैफिक पुलिस थी उसने बताया कि पुलिस को भी गाली दे रहा था कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, ये देख रहे हैं नंबर एक बार फिर दोबारा से आपको दिखा रहे हैं, DL2C AQ 6538 6538 गाड़ी नंबर है,
और दिल्ली का नंबर है फरीदाबाद। एक बड़ी घटना, भयंकर एक्सीडेंट, भीषण दुर्घटना हुई है। गाड़ी पलट गई, स्पीड में गाड़ी आ रही थी और गाड़ी पलटी, जिसकी वजह से एक महिला और दो लड़कियों को गंभीर चोटें लगी हैं। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये देख रहे हैं, पुलिस मौके पर पहुंची है और ये देखें, इसी गाड़ी में से निकले ये? हाँ, गाड़ी में से निकले हैं। और जैसा कि बता रहे थे, गाड़ी में दो लड़कियां और दो लड़के थे। दो लड़के हमने आपको दिखाए, जो ड्राइवर था वो भी आपको दिखाया कि हालत में था, और दो लड़कियां जो थी वो भी हमने आपको दिखाए। लेकिन एक बड़ी घटना फरीदाबाद, हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता कि महिला किस हालत में है। ये देखें, महिला की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है महिला को, और जो दो लड़कियां थी उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अभी गाड़ी ये साइड में गाड़ी आई है, पलटते हुए गई है बहुत तेज, कम से कम गाड़ी 20 की स्पीड। गाड़ी अभी साइड में लगा दी, पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा और गाड़ी उठाकर, लोगों के द्वारा उठाकर साइड में कर दिया गया गाड़ी को। लेकिन सबसे बड़ी बात फरीदाबाद के, कौन ये व्यक्ति था और इसने नशा कर रखा था या नहीं, ये जांच का विषय है। पुलिस अभी लेकर जाएगी दो, लेकिन जो महिला है उसे गंभीर चोट लगी है और जो इसमें लड़कियां थी, दो लड़कियां थी, ये आप देख रहे हैं, एक जो ये जा रही है लड़की, जिसका फादर है शायद, पकड़ कर ले जा रहा है, ये देख रहे हैं सामने, ये यही लड़की थी जी? हाँ, ये लड़की इसमें थी कार में। अच्छा, और एक और थी? एक दो लड़की थी, एक ये लड़की जा रही है और एक और लड़की थी साथ में। ब्लैक टी शर्ट में जो लड़की थी, क्या? हाँ, एक महिला थी, एक बच्चा था। महिला नीचे गाड़ी के नीचे दब गई थी, नीचे से निकाली है, बेहोश है, पता चले अभी हॉस्पिटल ले गए, सीरियस कंडीशन थी, चोट लगी उसका, क्या है पूरी ब्लीडिंग हो रही थी बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही, जैसा कि बता रहे हैं। महिला की हालत गंभीर थी क्योंकि वो इस गाड़ी के नीचे दब गई थी। फरीदाबाद, बड़ी खबर आज की, सेक्टर 29 से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से एक कार बीच सड़क पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें दो लड़कियां और दो लड़के सवार थे। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ड्राइवर ने नशा कर रखा था, लोगों से बदतमीजी कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, और पुलिस वाले तो धमकी दे रहा था कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। और आपने वीडियो में भी देखा था किस तरह से वीडियो बंद करने के लिए बोला जा रहा था कि वीडियो मत बनाओ, मना करा जा रहा था वीडियो बनाने से। लेकिन आप देख रहे हैं, लड़की, दो लड़कियां थीं जो हमने दिखाया आपको, एक जाती हुई और एक और अंदर थी, दो लड़के थे इसमें, पर जो महिला इसके नीचे दबी थी उसकी हालत गंभीर है। दो लड़कियों को भी चोट लगी है, एक महिला को चोट लगी है। अभी कहा नहीं जा सकता कि महिला की हालत कैसी है। तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं, लगातार सुबह भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ट्रैक पलटा हुआ था मैन मथुरा रोड पर, वो किसी कार को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ा दी थी उसने, जिसकी वजह से वो पलट गया। लेकिन उसमें कोई जानहानि नहीं हुई थी, उसमें कोई किसी को चोट नहीं लगी थी, उसमें गाड़ी का नुकसान था बस, और किसी को भी कोई चोटें नहीं लगी थी, सब सेफ बच गए थे, ड्राइवर भी बच गया था। लेकिन यहाँ पर ये जो घटना हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, ये बड़ा भयंकर और ज़बरदस्त एक्सीडेंट था। इसमें एक महिला को गंभीर चोट लगी है, अभी कह पाना मुश्किल है कि वो बची है या नहीं, क्योंकि वो जिस हालत में बता रहे हैं उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, उसके गाड़ी के नीचे दब गई थी, खून भी निकला था उसके काफ़ी, और दो लड़कियों के चोट लगी थी। तो फरीदाबाद, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से, सेक्टर 29 से आपको दिखा रहे थे हम। देखें, अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था, गाड़ी को यहाँ की पब्लिक ने उठाकर साइड में लगा दिया और पुलिस उनको ले गए जी। अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, और ड्राइवर के ऊपर भी जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल पुलिस यहां से देख रहे हैं,
लड़का ये देख रहे हैं, ये लड़का वही है ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, ये जिसने चश्मा लगा रखा है, स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है, जिसने चश्मा लगा रखा है, ये गाड़ी चला रहा था और यही लोगों से बदतमीजी कर रहा था, पुलिस से भी बदतमीजी कर रहा था कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ये देख सकते हैं शायद लड़के के परिजन यहाँ पहुँच चुके हैं, और अभी देखा था आपने लड़की को भी कोई लेकर गया था, ये देख रहे हैं। लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, पुलिस अभी लेकर जा रही है दोनों को, और देख रहे हैं किस तरह से वॉइस ऑफ पलटा वाला ये देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जो ड्राइवर है उसको लेकर जा रही है, और उसके साथ जो लड़का था उसे भी, हालांकि दो लड़कियां हैं उन्हें तो ले जा चुके हैं लोग, उनके परिजन थे शायद जो उन्हें ले गए। पर देख रहे हैं बहुत बड़ी दुर्घटना थी फरीदाबाद, यहाँ ये चौक पर डिवाइडर से टकराकर गाड़ी पलटी जो एक महिला के ऊपर जा गिरी, और महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अब देखना ये है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।